में क्या अट्रैक्ट होना है लेसर देन आईपीएल में? जी क्या कहते हैं राशिद? सर यही है कि अगर मेरी जो वर्थ है 9 to 5 जॉब करने की, वो 1 लाख रुपए है और मुझे कोई 10 लाख देगा तो गलत काम करवाएगा ना। दूसरा सवाल पूछेगा। जनाब आईसीसी की आईपीएल राइट्स और अराउंड क्रिकेटइंफो कहता है जी आईपीएल 2023 टू 27 के लिए 4 साल के लिए सब कॉन्टिनेंट टीवी एंड डिजिटल राइट्स सोल्ड फॉर यूएस 5.1 बिलियन। वाओ। और इसी तरह अगर हम नीचे बात करें तो समझ जाए इंग्लिश प्रीमियर लीग को छोड़ा है, पता है? नहीं सर, इतनी बड़ी लीग नहीं है, 2 प्लेयर आ जाते हैं, ऐसा है मतलब नहीं है, बहुत बड़ी लीग है। अच्छा, मतलब आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर? आप ये तो जानते हैं ना इंग्लिश प्रीमियर लीग को आईपीएल ने पीछे छोड़ा। जी जी बिल्कुल। तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे कितनी ज्यादा वैल्यू होगी? होगी ज्यादा होगी, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत काउंटी बहुत पुरानी है, आईपीएल 2008 की विदेशिया, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग का अपना एक राइट्स बिके। तो पाकिस्तान के इनके कई जो जर्नलिस्ट हैं, इनके कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं, इन्होंने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि जितने का हमारा टोटल आईएमएफ प्रोग्राम है उतने का तो बस इनके आईपीएल के मीडिया राइट्स बिक गए। टीम्स जो बिकती हैं उसका अलग है। अब रिसेंटली आपको याद होगा लखनऊ की टीम बिकी, गुजरात की टीम बिकी, वो भी ऑलमोस्ट दोनों $1 बिलियन के आसपास की बिकी है, और फ्यूचर में भी कोई बड़ी बात। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो दोस्तों आईपीएल की वजह से क्रिकेट ने आखिरकार फुटबॉल को कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। आप समझ जाएं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मैच की और आईपीएल की एक मैच की इनकम, आईपीएल की एक मैच की इनकम इंग्लिश प्रीमियर लीग की इनकम से बड़ी हो चुकी है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, हालांकि पाकिस्तानियों को वीडियो है, आपको भी पता है कि अंदर से ये बेचारे दिल पर पत्थर रखकर ये बातें कर रहे हैं। हालांकि इनकी बातें करना बनता नहीं है, लेकिन आप लोगों को यही देखना पड़ता है कि इनकी तड़प देखकर आपको मजा आता है। तो पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज, तो ये लिखा आता है कंबाइंड वैल्यू ऑफ द टीवी एंड डिजिटल राइट फॉर द नेक्स्ट आईपीएल साइकिल 2023 to 27 फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज मोर देन डबल टू इंडियन 39.7775 करोड़, यानी 5.10 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। एनएफएल जो कि अमेरिकन फुटबॉल लीग है, उसके बाद आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी लीग बन गई है इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडकास्ट मनी एंड ऑफ कोर्स द मीडिया राइट्स। और फिर जनाब नीचे बात होती है, अ टीवी राइट फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज इंडियन 57.5 करोड़, जो कि 7.36 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली पर मैच। वाइल फॉर पैकेज बी डिजिटल राइट फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अट्रैक्टेड द हाइएस्ट बिड ऑफ इंडियन 50 करोड़ 6.41 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली पर मैच। सो बहुत बड़ी ये चीज़ है, और इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी द पर मैच वैल्यू ऑफ इंडियन आई पी एल गेम फॉर द न्यू राइट साइकिल हैज नियरली डबल, जम्प ऑफ 98% फ्रॉम द INR 54.23 करोड़ टू 8.47 समथिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा फॉर लीग पर्पज़। मुझे लगता है कि जितने यहाँ पैसे डबल हो रहे हैं, ऑलरेडी PCB के भी डबल हुए, क्योंकि IPL और PSL का कोई मुकाबला नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यहाँ तक बिग बैश का भी नहीं है, और यहाँ तो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग से आगे निकल गए। पर मुझे लगता है इस चीज़ की बहुत बड़ी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, वो बाकी लीग्स पर भी आएगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जो मीडिया हाउसेज होते हैं, वो हर दुनिया में हर तरफ एक ही तरह काम करते हैं, कोई ज़्यादा पैसे कमाता है, कोई कम कमाता है, बट वो कर ये सकते हैं। अब आईपीएल मीडिया राइट जनाब ई ऑक्शन, यानी कि ई ऑक्शन हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें आप बस डिस्प्ले करते हैं, आपका बायर जो है ना, वो जो बोली कर रहा होता है उसका भी नाम नज़र नहीं आता, ताकि दूसरा कंपेटिटर उस चीज़ को ना करें। बट पर मैच जो है वो 7.36 मिलियन डॉलर पे चला गया है ओवर द 5 ईयर, ये 2.7। इंग्लिश प्रीमियर लीग का अपना, मैं आपसे दोबारा से आखिरी बार पूछा सर, आपको क्या लगता है अंदाजन में कितने मीडिया राइट्स कितने करोड़ों के बिके होंगे? मैं ये भी बता देता हूँ, सोनी और वूट ने खरीदे अंदाजन कितने करोड़ के होंगे? 600। 600? आपने पहाड़ा ही पल्ली 1000 से ऊपर जाना है? नहीं नहीं, इतनी बड़ी लीग नहीं। मैं कहता हूँ एक बार तुक्का मार लें, 1000 से ऊपर चले। नहीं यार, इन्हें प्लेयर ही नहीं है। यार मैं क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं है, मैं कितना लोगों को कन्विंस करूँ कि तुक्के शुक्के मारो? सर आप कन्विंस हो गए बिल्कुल, शन हो रही है और हो भी गई है। सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले बताएं आईपीएल, आपको क्या नॉलेज है आईपीएल के बारे में? आईपीएल में जैसे PSL होता है, ऐसे ही उन्होंने हमसे देखा देखी आईपीएल स्टार्ट किया है, तो पहले वो शुरू हुआ था। नहीं, उन्होंने हमसे देखा देखी स्टार्ट किया था। हाँ, हम मान लिया हमसे देखा देखी। सवाल आपसे ये है कि अंदाजन कितने करोड़ के अंदर आईपीएल के, इसको कह सकते हैं टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स, ओवरऑल मीडिया राइट्स सोल्ड हुए होंगे ऑक्शन के अंदर?
यार ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपए में होगा। 500 करोड़? हाँ बस। अरे अभी आपने कहा आईपीएल बड़ी लीग है लेकिन 500 करोड़ कम है, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। जब पाकिस्तान की तो देखे ना, पाकिस्तान सुपर लीग सबसे लेवल पे आया। ये काम गारंटी के साथ कह रहे, जो मैं इनको ओरिजिनल प्राइस बताऊंगा ना इनके तोते उड़ने वाले, मैं आपको फिर एक मौका देता हूँ। सर आपने कहा बड़ी लीग है, दोबारा सोचे। 500 करोड़ बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आपने जिद पकड़ ली, थोड़ा 1000 की लाइन में चले, 600 कर लेते हैं आपके गाने पे। मजे की बात है, 600 के अंदर टाटा ने, इसको कहते हैं ना, स्पॉन्सरशिप बाय की थी उसकी 600 करोड़ में। अभी तो टीवी राइट्स की बात हो रही है, मीडिया राइट्स की। ये भी इतने में हुई है, ये टोटल इतने में आया है इनका सब कुछ, 600 से आगे। 600 करोड़ देखा जाए तो काफी ज्यादा वैल्यू होता है। वैल्यू काफी ज्यादा वैल्यू है। तो कंफर्म है आप एक चीज पे टिक गए? मैं इसी पे टिक गया हूँ कि 600। आपने हिलना नहीं है यहाँ? नहीं, मैं ज्यादा भी नहीं जानते और कुछ कम भी नहीं जानते, बस नॉर्मली नॉर्मली। बस ये तो आइडिया होगा कि बड़ी लीग है, बड़े बड़े प्लेयर्स आके खेलते हैं। हाँ बिल्कुल खेलते हैं ऐसे। उसकी जिसको कह सकते हैं मीडिया राइट्स की ऑप्शन चल रही थी ब्रॉडकास्टिंग की। सवाल आपसे ये कि अंदाजन कितने करोड़ के अंदर आईपीएल की मीडिया राइट्स जिसको कह सकते हैं खरीदे होंगे? 16.25 करोड़ अगर दे दिया जाए, और वो ओनली सेकंड विराट कोहली 17 करोड़, फिर युवराज सिंह ने शायद 16 करोड़ लिया था 2015 में, पैट कमिंस का पिछले साल 15.5 करोड़ था, काइल जेमिसन 15 करोड़ में इस बार ही हैज बीन पिक्ड अप, और बेन स्टोक्स 14.5 करोड़ था 2017 में, ग्लेन मैक्सवेल जो है वो 14.25 करोड़ में इस बारी सेलिंग हुई है। तो जब हम ये डिस्पैरिटी देखते हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या अट्रैक्ट होना है लेसर देन आईपीएल में? जी क्या कहते हैं राशिद? सर यही है कि अगर मेरी जो वर्थ है 9 to 5 जॉब करने की वो 1 लाख रुपए है और मुझे कोई 10 लाख देगा तो गलत काम करवाएगा ना। दूसरा सवाल पूछे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको बता दूं कि आईपीएल को लेकर ये मतलब बताया जा रहा था कि आईपीएल को अब लोग कम देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आईपीएल की जो मीडिया राइट्स है वो लगभग 50,000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ये केवल मीडिया राइट्स की है, ये टीम की अर्निंग नहीं है, टिकट की अर्निंग नहीं है, मीडिया राइट है। तो आप समझ सकते हो पर मैच इंग्लिश प्रीमियर लीग जो फुटबॉल की लीग है सबसे बड़ी लीग मानी जाती है। आपने कुछ इनके शायद टीमों के नाम आपको पता होगा, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लैंड की लीग है, ऑब्वियसली मैनचेस्टर इंग्लैंड की सिटी है, और बहुत सारी टीमें हैं। आपने अगर फुटबॉल को फॉलो किया तो आपको पता होगा। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग को एज अ पर मैच इनकम के मामले में पीछे छोड़ दिया। हालांकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में आईपीएल से बहुत ज़्यादा मैच होते हैं, बहुत लंबे समय तक वो टूर्नामेंट चलता है, तो ओवरऑल जो लास्ट का अमाउंट आएगा वो उसका ज़्यादा रहेगा। आईपीएल में उतने मैचेस होते नहीं है। तो आप समझ जाए दोस्तों अब आईपीएल की वैल्यू। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर बैन है। आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर बैन क्यों है आपको रीज़न पता है? 26/11 हमला हुआ, उसके पहले जो सीज़न हुआ था आईपीएल का, मतलब 8-9 महीने पहले ही सीज़न हुआ था, 2008 में ही पहला सीज़न हुआ था, और उसके बाद मार्च में सीज़न हुआ, और ये 11वें महीने में हमला हो गया। तो आप समझ जाए उसके बाद से आईपीएल प्लेयर बैन है। आईपीएल प्लेयर बैन है और भारत सरकार का क्लियर स्टैंड रहा है तब से अब तक कि भाई आप आतंकवाद को कंट्रोल करो, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल होगी। पाकिस्तानी प्लेयर टोटली बैन है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी प्लेयर को परमानेंट बैन करना चाहिए आईपीएल में, नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो पाकिस्तान ने इसके कंपटीशन में पाकिस्तान सुपर लीग उतारी, जो कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो पाकिस्तान सुपर लीग हिट हो गई, ये सच है। और पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हिट हो गई, पाकिस्तान में ये लीग मतलब अच्छी खासी चल रही है। और भारत की जो आईपीएल है वो ग्लोबली काफ़ी हिट है और इसमें दुनिया के सारे क्रिकेटर आते हैं। आपने तो देखा ही होगा, आईपीएल के मैच जरूर देखे होंगे, और इस साल 2 नई टीम भी बन चुकी है। तो पाकिस्तान के कई क्रिकेटर शोएब अख्तर जैसे लोग बोल चुके हैं कि आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर उसमें बैन है। तो ऑब्वियसली इसी तरीके की बात करेंगे। आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको